हेलो एवरीवन इंग्लिश में कुछ वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं जैसे अगर सन मीन्स सूरज है तो बेटे को हम क्या कहेंगे ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं होमोफोन्स होमोफोन्स आर टू वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग मीन्स दे हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग ट्स वाई उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं बट प्रोनाउंस हम उनको सेम ही करेंगे जैसे आई आई ई वाई आई एंड आई आई मीन्स मैं एंड ई वाई आई मीन्स आक नेक्स्ट इज सी एंड सी एस डबल ई सी मीन्स देखना

एन ओ नो मीन्स नहीं किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करना एंड के एन ओ डब्लू मीन्स जानना के आई नो अबाउट दिस नेक्स्ट इज टू एंड टू टी ओ टू एंड टी डबल ओ टू टी ओ टू मीन्स को हम जब किसी चीज़ को किसी से रिलेट करते हैं तो उसके लिए हम टू लगाते हैं एन टी डब्लू ओ टू मीन्स भी भी मतलब ये चीज़ भी आई लाइक दिस टू ऑल्सो ठीक है या ऑल्सो भी नेक्स्ट वन इज़ रोज़ एंड रोज़ आर ओ डब्लू एस रोज़ मीन्स लाइन्स जैसे लाइन जो क्यू होती है वो रोज़ वाली स्कूल में जो रोज़ लगी होती हैं एंड नेक्स्ट वन इज़ आर ओ एस ई रोज़ दिस इज अ फ्लावर रोज़ फ्लावर नेक्स्ट इज नॉट एंड नॉट एन ओ टी नॉट मीन्स आप रिफ्यूज़ करना किसी चीज़ के लिए नो एंड नॉट एंड नेक्स्ट इसका होमोफोन है नॉट के एन ओ टी नॉट गाठ बांधना किसी चीज़ में नॉट लगा देना किसी चीज़ को गाठ नेक्स्ट इज सन एंड सन एस यू एंड सन इसका मीनिंग होता है सूरज एंड एस ओ एन सन मीन्स बेटा द मेल चाइल्ड नेक्स्ट इज सेल सेल एंड सेल एस ई डबल एल सेल सेल वो सेल जो डिस्काउंट लगा होता है किसी चीज पे वो, वो है एस ई डबल एल सेल एंड सी ई डबल एल सेल सेल इसको हम बैटरी वाले सेल जो होते हैं जो रिमोट में पड़े रहते हैं उनकी स्पेलिंग भी ये होती है एंड जेल को भी सेल बोलते हैं सी ई डबल एल इन दोनों की स्पेलिंग सेम होती है बट दे हैव टू मीनिंग्स नाउ नेक्स्ट वन इज राइट एंड राइट आर आई जी एच टी राइट राइट मीन्स सही दिस इज राइट दिस क्वेश्चन इज राइट एंड डब्ल्यू आर आई टी ई राइट मीन्स लिखना जैसे यू शुड हैव राइट द राइट थिंग तो बोथ राइट्स इन वन सेंटेंस नेक्स्ट इज हेयर एंड हेयर एच ए आई आर हेयर हेयर मीन्स बाल जो हमारे सिर पे बाल होते हैं वो बाल एंड एच ए आर ई हेयर ये होता है रैबिट रैबिट को हेयर भी बोलते हैं एच ए आर ई हेयर नेक्स्ट इज वन एन वन ओ एन ई वन ओ एन ई वन ये काउंटिंग वाला वन है एक एंड डब्ल्यू ओ एन वन ये है जीतने वाला जब हम कोई चीज़ जीतते हैं वन दे बोथ प्रोनाउंस वन ओ एनी वन एंड डब्ल्यू एन वन नेक्स्ट इज वीक एंड वीक डब्ल्यू डबल ई के वीक इसका मीनिंग होता है सप्ताह जो हमारे ये वीक होते हैं दिन वाला सप्ताह जो होते हैं वो सप्ताह एंड इसका होमोफोन है डब्लू ई ए के वीक ये वीक है जब हम वीकनेस महसूस करते हैं हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती है लैक ऑफ एनर्जी वाला जो वीक होता है वो ये होता है डब्ल्यू ई के सिर्फ इसमें ई e और ए का डिफरेंस है ये वीक में नेक्स्ट इज टेल एंड टेल टी ए आई एल टेल इसका मतलब होता है पूछ जैसे मंकी हैज़ ए टेल एंड नेक्स्ट इसका होमोफोन होता है टेल टी ए एल ई टेल ये होती है स्टोरी तो टेल एंड टेल स्टोरी मीन्स टेल स्टोरी वाला मीन्स कहानी जैसे कोई हमें कहानी सुनाता है तो वो हमें टेल सुना रहा है नेक्स्ट इज आर एंड आर एच ओ यू आर आर मीन्स समय जो घंटे होते हैं वो वाला समय एंड ओ यू आर आर मीन्स हमारा नेक्स्ट इज मीट एंड मीट एम ई ए टी मीट इसका मीनिंग होता है फ्लैश मीन्स जो गोश्त होता है मीट जो होता है जो हम लोग खाते हैं वो वाला मीट एम ई ए टी मीट एंड एम डबल ई टी मीट का मीन्स होता है मिलना जैसे वी हैव टू मीट दिस पर्सन या वी आई हैव ए मीटिंग विद दिस पर्सन तो दिस मीट नेक्स्ट इज डाई एंड डाई डी आई ई डाई मीन्स मरना एंड डी वाई ई मीन्स रंग लगाना या किसी डाई करना जैसे हमें मुझे दुपट्टे पर डाई कराना है तो ये वो वाला डाई है डी वाई ई वाई नॉट आई आई वाला ई e हो जाएगा मरना नेक्स्ट इज हील एंड हील एच ई एल हील इसका मीन्स होता है रिकवरी किसी बीमारी से आपकी रिकवरी हुई है या कोई चोट आपकी रिकवर हो गई है देन वी यूज हील एच ई ए एल हील एंड इसका होमोफोन है हील एच डबल ई एल हील जो हमारे ये शूज वाली हील होती है वो हील नेक्स्ट इज इसका एक होमोफोन लोग हिल भी समझते हैं एच आई डबल एल बट वो हिल होता है नॉट हील नेक्स्ट इज सम एंड सम एस ओ एम ई सम मीन्स कुछ कुछ चीज़ें हैं मेरे पास आई हैव समथिंग। एंड एस यू एम सम मीन्स टोटल मतलब किसी चीज़ का टोटल एंड नेक्स्ट इज हाई एंड हाई एच आई हाई इस हाई का मीन्स है जब हम किसी से मिलते हैं जो हाई करते हैं उसको ग्रीटिंग करते हैं वो वाला हाई एच आई हाई एंड एच आई जी एच मीन्स ऊंचाई जैसे दिस हिल इज़ वेरी हाई तो ये हाई नेक्स्ट इज होल एंड होल एच ओ एल ई होल इसका मीनिंग होता है छेद एच ओ एल ई होल छेद मतलब किसी चीज़ में अगर कोई छेद है या रोड पे छेद है तो देयर आर मैनी होल इन दिस क्लोथ कपड़े में छेद है एंड डब्ल्यू एच ओ होल मीन्स सब आई हैव टू कम्प्लीट माई वर्क मतलब मुझे अपना सारा काम कंप्लीट करना है तो ये होल में आता है W से स्टार्ट होता है W H O L E अदरवाइज सेम स्पेलिंग है बट इसमें हम W ऐड कर देंगे नेक्स्ट इज़ वेट एंड वेट W A I T वेट मीन्स किसी का इंतज़ार करना एंड W E I G H T वेट मीन्स किसी चीज़ का वेट करना मतलब वो कितने उसका क्या वेट है क्या वजन है उस चीज़ का वो वाला वेट नेक्स्ट इज़ बाय एंड बाय बाय बी यू वाई बाय मीन्स खरीदना कोई चीज़ जब हम मार्केट में जाते हैं तो कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं तो वो वाला ख़रीदना बी यू वाई बाय आई हैव टू बाय दिस फॉर माई चाइल्ड नेक्स्ट इसका हम फोन है बाय बी वाई ई -E, बाय जब हम किसी से अलविदा लेते हैं तो उसको जो बाय करते हैं वो बाय बी वाई ई -E, बाय नेक्स्ट इज पेयर एंड पेयर पी ए आई आर पेयर मीन्स दो जो जोड़ा वाला जो पेयर होता है के आई हैव दिस पेयर ऑफ शूज मतलब दो शूज़ हैं मेरे पास एंड पेयर पी ई ए आर नॉट आई ए आर दिस इज अ फ्रूट पेयर फ्रूट जो नाशपाती जो होती है फ्रूट पेयर नेक्स्ट इज बी एंड बी बी ई मीन्स बी होना किसी चीज़ का होना एंड बी डबल ई मीन्स बी जो मधुमक्खी होती है वो वाली बी नेक्स्ट इज वेस्ट एंड वेस्ट डब्लू ए आई एस टी वेस्ट मीन्स हमारी कमर जब हम अपनी जीन्स लेने जाते हैं जो वेस्ट साइज होता है मीन्स कमर का साइज ये वो वाले वेस्ट है डब्लू ए आई एस टी वेस्ट एंड डब्ल्यू ए एस टी ई वेस्ट जो खराब चीजें हैं जो वेस्ट चीजें हैं हमारी बेकार चीजें हैं वो होता है वेस्ट डब्ल्यू एस टी ई वेस्ट नेक्स्ट इज वेरी एंड वेरी वी ए आर वाई वेरी मीन्स डिफिकल्ट डिफरेंट सॉरी डिफरेंट आई हैव वेरी काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड वी ई आर वाई मीन्स बहुत जैसे आई हैव वेरी क्लोज तो वेरी एंड वेरी नेक्स्ट इज रीड रेड एंड रेड आर ई डी रेड इज कलर रेड कलर लाल कलर एंड आर ई ए डी ए भी लगेगा इसमें ए डी इज रेड दिस इज ऑल्सो प्रोनाउंस एज रीड बट ये रीड कि पास्ट टेंस में हम इसको एज ए रेड पढ़ते हैं जब ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पे कि हम पास्ट में अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो हम इस इस रीड को प्रोनाउंस करेंगे रेड ठीक है नेक्स्ट इज ब्रेक एंड ब्रेक बी आर ई ए के ब्रेक मींस तोड़ना कोई चीज़ या जो हमें स्कूल में ब्रेक मिलता है ये वही वाला ब्रेक है बी ई ए के इसका होमोफोन है बी आर ए के ई ब्रेक ये ब्रेक है कार में जो ब्रेक होते हैं वो वाले ब्रेक बी आर ए के ई नेक्स्ट इज रोड एंड रोड रोड आर ओ ए डी रोड मीन्स रास्ता जो होता है रोड एंड आर ओ डी ई मीन्स चलाना रोड जैसे आई रोड माई बाईसाइकिल तो मैं अपनी बाइसाइकिल जो है चला रहा हूँ ऑन द रोड आर ओ ए डी रोड तो ये थे होमोफोन्स ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी होमोफोन्स आई होप आपको ये सब होमोफोन्स समझ में आए होंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू